ओके, सो इन दिस क्वेश्चन विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये वाला जो डायग्राम है या सर्किट है, ये हमने पहले भी सॉल्व किया है। किसके लिए? सेटअप टाइम एंड होल्ड टाइम वायलेशन चेक करने के लिए, ठीक है। नाउ इन द सेम सर्किट विल फाइंड द मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? सेटअप टाइम कंस्टेंट से। सेटअप टाइम कंस्टेंट में जो भी टी क्लॉक होता है इक्वेशन में, उसका इन्वर्स ले लेते हैं तो हम लोग का क्या आ जाता है, एफ मैक्स, राइट। तो इससे पिछले वाले एग्जांपल में हम लोग सॉल्व किए थे मल्टीपल पाथ्स वाला एग्जांपल, राइट। इसमें मल्टीपल पाथ्स था, उसमें भी अपने को मैक्सिमम ऑफ दोष और मिनिमम ऑफ दोष लेना पड़ रहा था, राइट। तो लेट से इसमें, लेट से यहाँ पे मैं एक और पाथ बना देता हूँ, डेटा पाथ, लाइक ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने बना दिया डेटा पाथ, ठीक। और इसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ टी मिन इक्वल टू लेट से 2 और टी मैक्स इक्वल टू 4। ऐसा मैंने कुछ डिफाइन कर दिया, नैनो सेकंड नैनो सेकंड। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंगल पाथ वाला तो ठीक है, उसमें मैक्सिमम वैल्यू इन डेटा पाथ ले लो, मिनिमम वैल्यू इन क्लॉक पाथ, और सेटअप टाइम कंस्टेंट इक्वेशन में पुट कर दो, उसके बाद टी क्लॉक का इन्वर्स कर दो, एफ मैक्स आ जाएगा। इसे पहले वाले में मल्टीपल पाथ सॉल्व किए थे, तो इसमें भी लेट से मल्टीपल पाथ सॉल्व करके देखते हैं। फार्मूला हम लोग कुछ याद नहीं रखेंगे, बस हम लोग को फार्मूला याद क्या रखना है, जो दो फार्मूला सबसे स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ वो वाला, कौन सा? टी सी क्यू प्लस टी पी डी प्लस टी सेटअप शुड बी लेस देन इक्वल टू टी क्लॉक, ठीक है। तो सेटअप टाइम कंस्टेंट इज मैक्स डिले कंस्टेंट, इसमें मैक्सिमम वैल्यूज लेना है, इसमें मिनिमम वैल्यूज लेना है। ये तो है सिंगल पाथ के लिए। मल्टीपल पाथ हो तब क्या करना है, उसमें ये वाला फार्मूला एक्सटेंड हो जाता है। कैसे एक्सटेंड हो जाता है? उसमें हो जाता है मैक्सिमम ऑफ, लेट से दिस इज द पाथ वन, राइट। सो पाथ वन पाथ टू, ऐसे करके जितना भी पाथ होगा उसका मैक्सिमम लेना है, लेस देन इक्वल टू टी क्लॉक प्लस इस साइड में क्या लेना है, मिनिमम ऑफ जो भी पी वन कॉमा पी टू जो भी पाथ होगा क्लॉक पाथ, उसमें इस साइड मिनिमम लेते जाना है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है, इसको फॉलो करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये पाथ वन में क्या लेंगे, पाथ वन में ये पूरा कंप्लीट लेंगे, ठीक है। लास्ट वाले में मैं इसको अलग कर दे रहा था, पर उससे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा था, राइट। तो इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा टर्म को इस वाले पाथ वन या पार्ट टू में इंक्लूड करके सॉल्व करेंगे। सिमिलरली अगर इस साइड कुछ है डिफरेंट अलग अलग पाथ, तो उसको भी ऐड करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरा अप्रोच क्या होगा, पहले तो पाथ डिफाइन करूँगा, राइट। सो लेट्स डिफाइन ऑल द पाथ्स। सो लेट्स से ये वाला एक है, कौन सा पाथ, ये वाला पाथ ले लेता हूँ मैं, पाथ वन, और सेकंड पाथ ले लेता हूँ एक और, कौन सा है। तो आप लोग को भी ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस नहीं करना है, नहीं तो फिर गलत हो सकता है। ये हो गया पाथ टू, ये दोनों क्या है, डेटा पाथ और क्लॉक पाथ तो एक ही है, तो इसमें कुछ लेने का ज़रूरत नहीं है। इसमें केवल जो भी पी वन है उसका ले लेना है मिनिमम। तो ये पी वन जो है इसमें मिनिमम लेते जाना है, ठीक है। इसमें खुद ये मिनिमम है और इसमें खुद ये मैक्सिमम है और ये खुद मैक्सिमम है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप पाथ वन में ट्रेवल करते जा रहे हो तो उसमें मैक्सिमम वैल्यूज चूज करते जाना है, लाइक ये वाला पाथ वन है ना, ये वाला, तो ये मैक्सिमम वैल्यूज चूज करते जाना है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यूज। अगर आप क्लॉक पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको मिनिमम वैल्यूज ही लेते जाना है। अब उसके बाद मल्टीपल पाथ्स होंगे तो मैक्सिमम मिनिमम बेस्ड ऑन दिस ले लेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ, चलो मैक्सिमम वैल्यूज लेंगे, 2 प्लस 11 प्लस 2 लिख देते हैं, 2 प्लस 11 प्लस 2 देन 4 देन 2, 4 देन 2, ठीक है। सेकंड पाथ कौन सा है, रेड वाला, 2 प्लस 11 देन 2
टू के बाद इसमें मैक्सिमम कितना है, नाइन, देन टू। अब इसमें क्या करना है, टी सेटअप भी ऐड करते जाएंगे, ठीक है हम लोग। तो टी सेटअप कितना है इसका, टी सेटअप अच्छा टी सेटअप कितना है, फोर। इसका भी क्या है, सेम कैप्चर तो सेम है ना। अगर यहाँ पे एक और फ्लिप फ्लॉप होता इसका अलग, तो पिछले एग्जांपल जैसे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस वाले जैसे। पर हम लोग का क्या है, एक ही कैप्चर फ्लॉप है, तो सेटअप टाइम दोनों में सेम है, क्या है, फोर, ठीक है। अब ये हो गया ये वाला टर्म, शुड बी लेस देन इक्वल टू टी क्लॉक प्लस। अब एक ही पाथ है, पर वो पाथ में भी अपने को क्या लेते जाना है, मिनिमम्स लेते जाना है, राइट। क्या है मिनिमम, टू प्लस फाइव प्लस टू, टू प्लस फाइव प्लस टू, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, इसमें कुछ है नहीं, ठीक। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ कितना हो जाएगा, थर्टीन, फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस टेन कितना हो गया, ट्वेंटी फाइव, कॉमा ये कितना हो गया, थर्टीन फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस टू सेवनटीन, सेवनटीन प्लस फोर ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन प्लस नाइन थर्टी, राइट, थर्टी हो गया। शुड बी लेस देन टी क्लॉक प्लस नाइन, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ डिस्ट टू इज थर्टी, शुड बी लेस देन इक्वल टू टी क्लॉक प्लस नाइन। तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, टी क्लॉक शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थर्टी माइनस नाइन, मतलब टी क्लॉक शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वेंटी वन नैनो सेकेंड। तो टी क्लॉक मिनिमम का वैल्यू कितना आ गया, ट्वेंटी वन नैनो सेकेंड, राइट। तो अपने को क्या निकालना है, एफ मैक्स, एफ मैक्स इज सिंपली टी क्लॉक मिनिमम। तो इसका एफ मैक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, वन बाई ट्वेंटी वन नैनो सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, थाउजेंड डिवाइड बाई ट्वेंटी वन मेगा हर्ट्स, राइट। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो लेट्स इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो वन थाउजेंड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी वन कितना आ रहा है, 47.61। तो हम लोग का फाइनल वैल्यू क्या आ गया, एफ मैक्स का 47.61 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो ये हम लोग का एफ मैक्स का वैल्यू आ गया इस सर्किट का। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सर्किट का। प्रोसीजर आपको पता हो गया, और याद केवल दो ही इक्वेशन याद रखना है, सेटअप टाइम कंस्टेंट इक्वेशन एंड होल्ड टाइम कंस्टेंट इक्वेशन। फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी यू हैव टू यूज ओनली सेटअप टाइम कंस्टेंट इक्वेशन। वाई, बिकॉज ओनली इन दिस इक्वेशन टी क्लॉक इज प्रेजेंट, इन होल्ड टाइम कंस्टेंट देर इज नो टी क्लॉक और नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द क्लॉक, राइट। क्या था, टी सी क्यू प्लस टी पी डी शुड बी ग्रेटर देन टी होल्ड, राइट। तो इसमें क्लॉक है नहीं, मतलब इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन द सेटअप टाइम कंस्टेंट, मतलब कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से सेटअप टाइम पे ही इफेक्ट आएगा, होल्ड टाइम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो। होल्ड टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लॉक फ्रीक्वेंसी, वी कैन कंक्लूड दिस, राइट। तो ये तो हो गया। अगर आपको कुछ डाउट हो इसमें कैलकुलेशन में या फिर मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी के न्यूमेरिकल में किसी भी में, तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, ठीक है, बाय।